अरे कुछ तो बोलो समन। उधर वो शकील और अरसलान हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा बेटा होश में आ गया। शुक्र है खुदा का। वो होश में तो आ गया लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शकील कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी कुछ हो सके। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि दोबारा कुछ हो बेटा। अरे बेटा हौसला रखो, जिस खुदा ने उसको नई जिंदगी दी है ना, वो आगे भी अच्छा करेगा। क्यों फिक्र करती हो? अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मेरे तो जीते जी मर जाता। अरे नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा बेटा, उसको कुछ नहीं होगा, यकीन करो। हम सब सलमान के लिए इतनी दुआ कर रहे हैं कल से। वो भी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसकी तो बात ही रहने दो, इसकी बात कौन सुन रहा है? और वो आतिर हवालात में बंद पड़ा हुआ है। बस अब हम तो दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सलमान को मुकम्मल होश आ जाए, फिर जो वो कहेगा ना वो सच होगा। कहीं सलमान भी पता नहीं किस मिट्टी से बना है। आपको पता जब होश में आया तो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि मायरा से मिलना। अम्मा मैं तो खुद ये सोचने पे मजबूर हो गई, पता नहीं ये शादियां होनी भी है या नहीं, लेकिन कम से कम मामला तो एक तरफ हो जाए ना। लेकिन फिर ये सोच के मजबूर हो जाती कि मैं ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मरहूम भाई को, और अम्मा कितना अजीब है ना वो सलमान, इससे लड़ता भी रहता है और इसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ। समन मुझे तो बताओ कि सलमान बोल तो पा रहा है ना, वो ठीक तो है ना? मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में है? मैं और अम्मा आना चाहते थे। नहीं हॉस्पिटल तो आप लोग मत जाइएगा, शकील ने साफ कहा कि आप में से कोई भी हॉस्पिटल ना है, वो तो मायरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लेकिन अब सलमान की हालत ऐसी है कि उसे कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक कह रहा है मेरा बच्चा, तुम फिक्र ना करो, अगर वो मायरा से अकेले में मिलना चाहता है ना तो मायरा जाएगी, जरूर जाएगी वहां पर उससे मिलने के लिए।